फिल्म इंडस्ट्री की काली सच्चाई इतनी बेरहम और खतरनाक है कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। न जाने कितनी कब्रों के ऊपर ये फिल्मी दुनिया खड़ी हुई है। आज इन्हीं कब्र में दफन दिव्या भारती की मौत के उस राज के बारे में आपको बताएंगे जिसका लेखा जोखा हर किताब से मिटा दिया गया। दिव्या भारती की मौत की वैसे तो बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन जिसके बारे में कभी किसी ने लिखने और बोलने की हिम्मत नहीं की वो था दिव्या भारती की मौत में बाला साहेब का कनेक्शन। 19 साल की दिव्या भारती की मौत अपने फ्लैट की बालकनी से गिरकर हुई थी। जिस वक्त वो अपने पांचवें मंजिल पर बने फ्लैट से नीचे गिरी, उस वक्त उनके साथ डिजाइनर नीतू लूला, उनके पति और दिव्या भारती की नौकरानी अमृता मौजूद थी। इतनी कम उम्र में दिव्या भारती ने जो हासिल किया था उसे दूसरी हीरोइने पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकती थी। 1990 से लेकर 1993 तक यानी 3 साल के फिल्मी करियर में दिव्या भारती ने 22 फिल्में की। एक साल के अंदर उनकी 12 फिल्में रिलीज हुई जो सब की सब सुपरहिट रही। दिव्या भारती एक साल के अंदर सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई थी और यही बात माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और जूही चावला जैसी एक्ट्रेस को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। साल 1992 में दिव्या भारती ने सिर्फ 18 साल की उम्र में मुस्लिम डायरेक्टर साजिद नाडियावाला से शादी कर ली और इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम दिव्या भारती से सना नाडियावाला कर लिया। जानकार बताते हैं कि उन दिनों बाबरी मस्जिद की वजह से देश में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे चल रहे थे। दिव्या को लगता था कि इन दंगों के लिए हिंदू ही दोषी हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपना धर्म बदला, जबकि उन पर किसी ने भी धर्म बदलने का दबाव नहीं बनाया था। दिव्या भारती के धर्म बदलने की खबर ने दंगों के बीच आग में घी डालने जैसा काम किया। दिव्या भारती की यह हरकत हिंदूवादी लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। उस दौर में कई संगठनों ने दिव्या भारती का गला काटने के लिए इनाम भी रखा था। फिर वो रात आई 5 अप्रैल 1993। दिव्या ने पहली बार अपने पैसों से फ्लैट खरीदा था। देर रात अचानक दिव्या अपनी फ्लैट की बालकनी से नीचे गिरी। उनका सिर फट गया था और खून बह रहा था, लेकिन यहाँ उन्हें अस्पताल ले जाने में चूक की गई। 1 किलोमीटर दूर अस्पताल था, जबकि उन्हें 3 किलोमीटर दूर वाले अस्पताल ले जाया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पहले पुलिस ने इसे हत्या मानकर जांच शुरू की, लेकिन धीरे धीरे ये जांच बदलती चली गई। दिव्या भारती की मौत की मुख्य गवाह यानी उनकी नौकरानी की ठीक 1 महीने बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले की जांच ही नहीं की। दिव्या भारती के माता पिता ने पहले इसे हत्या बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान बदल दिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दिव्या भारती की मौत को संदिग्ध माना गया, लेकिन आज आपको एक भी ऐसी रिपोर्ट कहीं नहीं मिलेगी जो इस मौत को सवालों से घेरती हो। खास बात यह थी कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में दंगे शुरू हुए थे और 5 अप्रैल को दिव्या की मौत हो गई। हिंदू मुस्लिम के बीच मचे इतने बवाल के बावजूद पुलिस ने इस मामले की जांच को हल्के में लिया। साल 1998 में इसे दुर्घटना मानकर दिव्या भारती की फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जबकि ये बात साफ थी कि इसके पीछे कोई ना कोई गहरी साजिश जरूर थी। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।